हमारा एक्सेल क्लासेस खुल गया तो किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बाहर वाले उससे अच्छा तो हम अपने घर पे कर लेंगे, उसे अपना घर पे रह के गार्जियन के सामने हम पढ़ सकते हैं। हम यहाँ आने के बाद अपने आप को हम वैसा महसूस कर रहे हैं जो बच्चे एलेन और आकाश और फिजी में जो पढ़ते हैं, तो हम उनके बराबर अपने आप को देखते हैं। हाँ, समझते हैं। यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है और कोटा और पटना दिल्ली वहाँ के सब फैकल्टी यहाँ आके पढ़ा रहे हैं। अगर यहाँ में यहाँ कुछ बात है तभी तो वहाँ के टीचर सब आकर यहाँ पढ़ा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज, मैं हूँ आपके साथ आरिफ हयात। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो आपके लिए बेहद एक खुशी की खबर होगी। दरअसल आपको बता दें कि इस तमाम क्षेत्र के लोगों के लिए, तमाम ढाका से लेकर पूर्वी चंपारण के सभी लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर हमारे सामने आए हैं। इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो बच्चे जिन चीजों की तैयारी करने के लिए हमें कोटा और दिल्ली और पटना का सफर तय करना पड़ता है, अपने घर बार को छोड़कर हमारे बच्चे वहां जाते हैं, लेकिन उसी तरह की तमाम सहूलियत यहां आपको ढाका में आपके अपने शहर में मिलने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं ढाका के एक्सेल क्लासेज में। जब से हम यहां से एडमिशन लिए हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहले आपको बता दें कि हम 10th गायकवाड़ सिन्हा सेकेंडरी स्कूल से किए हैं। उसके बाद से 10th हुआ तो फिर हम बाहर जाने वाले थे तो लॉकडाउन में हम बाहर नहीं जा पाए, तो दानिश भाई यहाँ स्कूल खोले, मतलब कॉलेज खोले, फिर हमको लगा कि यार क्या चलेगा, यहाँ पटना से सर छोड़कर यहाँ आए हुए थे। यहाँ आने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? यहाँ आने के बाद आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, यहाँ आने के बाद आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ के जो फैकल्टी है वो बड़ी बड़ी फैकल्टी है, वो दिल्ली से आती है और क्या कहते हैं फरीदाबाद से आती है। वो हमारे एक क्या कहते हैं बायोलॉजी के टीचर है राही सर, फरीदाबाद में क्लास कर रहे थे, वो IIT JEE में सबको तैयारी कराते हैं ये लोग। हम यहाँ आने के बाद अपने आप को हम वैसा महसूस कर रहे हैं जो बच्चे एलेन और आकाश और फिजी में जो पढ़ते हैं, तो हम उनके बराबर अपने आप को देखते हैं। हाँ, समझते हैं। जो एक्सेल क्लास ढाका में चल रहा है इसमें ब्रांड लेवल की फैकल्टीज है, हर एक जगह कोई बंसल में पढ़ा चुके हैं, कोई अभी है और कोई कोटा में अभी पढ़ा रहे हैं, वो सारी फैकल्टीज ढाका में जब आ रही है तो हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। और इतनी कम खर्च में जो दानिश सर ढाका में प्रोवाइड कर रहा है, इतना में आपको कहीं नहीं चले जाए, आपको इतना में होने वाला नहीं है। मैं यहाँ पे लगभग एक महीने से पढ़ रहा हूँ, हमारे दोस्तों के थ्रू हमें पता चला कि यहाँ पे एक्सेस क्लासेस में अच्छी पढ़ाई हो रही है मेडिकल बैच की, तो हम आए देख के हमको अच्छा लगा। काफी सारी फैकल्टी जा रही है बाहर से, बहुत सारे मतलब दिल्ली से, कोटा से भी और पटना से, काफी अच्छा लगा यहाँ। जो बच्चे आपकी तरह सोच रखते हैं उन्हें भी नीट की तैयारी करनी चाहिए, तो वैसे छात्रों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ के मतलब नीट की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं उनको तो ये मैसेज देना चाहेंगे कि एक बार आए देखें, अच्छा है। ढाका एरिया से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे आए और यहाँ पे देखे, एक दो दिन ट्रायल करे, अच्छा लगे तो वो पढ़े, मतलब अच्छा ही लगे। यहाँ पे टीचर से बहुत अच्छी है, फैकल्टी से बहुत अच्छी है, यहाँ पे यही क्या अच्छी सिखाई जाती है। कैसा फील कर रहे हैं यहाँ आने के बाद? यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा फील। पटना और यहाँ में आपको क्या अंतर लगता है? पटना और यहाँ में तो कोई अंतर नहीं, क्योंकि टीचर सब जो है बाहर के आते हैं, अच्छे पढ़ाते हैं टीचर सब। तो बाहर ना जाके एक्सेल क्लासेस को ज्वाइन करें, और जैसे ही इस साल के जो मैट्रिक एग्जाम होने वाले हैं उसके बाद जस्ट एग्जाम के बाद एक्सेल क्लासेस का सेमिनार है 10th और 9th वालों के लिए, तो वो आ सकते हैं और यहीं अपना कंपटीशन निकाल सकते हैं। यहीं से ढाका में इस तरह का पहली बार हो रहा है कि सारे फैकल्टी बाहर के, यहाँ ढाका और मुतारी का एक भी फैकल्टी नहीं है, सारे दिल्ली और बंसल क्लासेस आकाश इधर से आ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि एलेन और दिल्ली और पटना से, मतलब मुझे बहुत अच्छा यहाँ फील हुआ है, क्योंकि यहाँ दिल्ली और आकाश के मतलब आकाश और कोटा के टीचर और पटना के टीचर मतलब इतना अच्छे फैकल्टी यहाँ, मतलब लड़कियाँ सोचती है कि हमें भी तैयारी करने के लिए बाहर जाना चाहिए, कोटा जाना चाहिए, वैसे लड़कियों को आप क्या सलाह देंगे? हम तो ये सलाह देंगे कि जो मैट्रिक करके जो मतलब कि मतलब कि पटना ना जाकर ढाका में रह के अपने घर पर मतलब इतने अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। मुझे इतनी सारी सुविधाएं पहले नहीं मिली। आप जैसे जो आपके दोस्त होंगे या छात्र होंगे उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूंगा कि काफी अच्छी पढ़ाई हुई यहाँ पे, यहाँ पे आप देखे और खुद से फील करके देख सकते हैं कि दूसरी जगह से बढ़िया पढ़ाई हुआ।
यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, और कोटा और पटना दिल्ली वहाँ के सब फैकल्टी यहाँ आके पढ़ा रहे हैं। अगर यहाँ में यहाँ कुछ कुछ बात है तभी तो वहाँ के टीचर सब आकर यहाँ पढ़ा रहे हैं और लोगों को अच्छा दे रहे हैं। लेकिन देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो कोचिंग क्लासेज होते हैं वहाँ लड़कियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, आपको क्या यहाँ कैसा लगता है? हम तो सब लड़कियों को यही कहना चाहेंगे कि जब ढाका में ही इतना अच्छा सुविधा के साथ और सबको अपने माँ बाप के साथ रहते हुए माँ बाप के साथ रह कर एक्सेल क्लासेज में आकर तैयारी कर सकते हैं, और कोटा पढ़ना तो माँ बाप को छोड़ के जाना न होगा तभी हम वहाँ पढ़ सकते हैं। और ये एक्सेल क्लासेज का जो स्थापना किया गया है एक बहुत बड़े टारगेट को लेकर शुरू किया गया है, क्योंकि बाहर में जितने भी बच्चे जाते थे चाहे कोटा हो पटना हो दिल्ली हो, ये सारे के सारे बच्चे जो है जाकर के वहाँ पढ़ते थे और यहाँ वो फैसिलिटी और वो पढ़ाई नहीं मिल पा रही थी। उसको देखते हुए जो है ना हम लोग यहाँ पे एक सेटअप डाला और एक प्लानिंग के साथ काम हुआ कि यहाँ पे भी कोई ऐसा सिस्टम डाला जाए ताकि यहाँ के भी बच्चे जो है मेडिकल इंजीनियरिंग और आईटी वगैरह सब के सब जो है क्वालिफाई कर सके। और उसी को देखते हुए यहाँ पे जो हम लोगों ने सबसे पहले काम किया है वो क्वालिटी एजुकेशन पे काम किया है, और यहाँ की सारी फैकल्टी चाहे वो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो बायोलॉजी हो सब जो है कॉर्पोरेट लेवल में काम किए हुए फैकल्टी है और सारे के पास जो है अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और यहाँ सबसे बड़ी जो फैसिलिटी है हम लोग लाइब्रेरी की भी फैसिलिटी रखे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक फीस की बात है बिल्कुल हम लोग जो है ना यहीं के हिसाब से रखे हुए हैं, गरीब से गरीब बच्चा भी जो है ना यहाँ आराम से पढ़ सकता है, इसके पास पैसा देने में दिक्कत है तो हम लोग काफ़ी कम इंस्टॉलमेंट में भी जो है ना फी वगैरह रखे हैं जो बच्चा हर मंथली के भी हिसाब से जो है ना पे कर सकता है और आराम से जो है ना यहाँ का कम्फर्टेबल। कमजोर वर्ग के बच्चे उनके लिए क्या सुविधा है? कमजोर वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए जो बिल्कुल गरीब बच्चे जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है उनको बिल्कुल फ्री एजुकेशन देने का प्लानिंग किया है, और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री पढ़ते हैं। जो बच्चे सर इंटर और मैट्रिक करने के बाद उनके अंदर एक सोच होती है कि हमें पटना जाना चाहिए कोटा जाना चाहिए दिल्ली जाना चाहिए, वैसे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिन बच्चों का सोच है कि हमें पटना जाना चाहिए दिल्ली जाना चाहिए कोटा जाना चाहिए उस हिसाब से, क्योंकि एवरेज अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको 6,000 के हिसाब से 72,000 लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपये जो है ना आपको 11,000 में लगता है। दूसरी बात ये कि घर से आदमी दूर होता है, वहाँ पे सेटअप करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, पेरेंट्स से दूर होते हैं और एक माहौल भी सही नहीं होता है जिसकी वजह से मैक्सिमम बच्चे जो है ना पढ़ नहीं पाते, लेकिन वो वही सारी फैसिलिटी वही फैकल्टी वही पूरा सिस्टम जो है आपको ढाका में मिल रहा है, सारी की सारी क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, उसको देखते हुए यहाँ के बच्चे भी अगर चाहे तो यहाँ पढ़ सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से वैसे बच्चों के माता पिता को ये मैं संदेश देना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को जो है ना बाहर नहीं भेजे और एक बार एक्सेल क्लासेस में आकर के उनको सेटअप को देखे और यहाँ की फैसिलिटी को देखे, यहाँ के फैकल्टी से मिले, और जो बाहर में फैकल्टी है जो सेटअप है जो क्वालिटी है उससे जो है ना बिल्कुल कम नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा ही आपको यहाँ नजर आएगा। और यहाँ के बच्चे की हम लोग मेडिको 20 के नाम से बैच चला रहे हैं और 2022 में बिल्कुल टारगेट है इस ढाका के सरजमीन से नीच में 650 से ऊपर जो है ना टारगेट करें बच्चे, और उस बैच का मेडिको 20 का हम लोग ने मिशन रखा है कि एक सपना ढाका को कोटा बनाना, और उसके साथ साथ जो है हम लोग मिशन रखे हैं कि 650 से ऊपर क्रॉस करना है। हमारे यहाँ मेडिको 20 में लगभग 10 से 12 बच्चे जिसमें से 5-6 लड़कियाँ हैं और 6 लड़के हैं जो ऐसे हैं जो 650 से ऊपर क्रॉस करने जा रहे हैं 2022 में नीट के मेडिकल के एग्जाम।